नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी ये गुलाब की सी है। आदाब, मैं सना खान, वॉइस 24 न्यूज चैनल, आपकी अपनी आवाज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरठ और पूरे हिंदुस्तान की जानी मानी कवित्री श्रीमती ममता वाष्णे जी, आइए हम मैम से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय और उनके करियर के बारे में कुछ बातें। आदाब मैम। आदाब। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराने के बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप इतनी जानी मानी कवित्री हैं, आपकी लेखन क्षमता इतनी अच्छी है, आपने लिखने की शुरुआत कहाँ से की और क्या रही आपकी प्रेरणा? मैं बचपन से ही तुकबंदी करने की शौकीन थी। वही तुकबंदी यहाँ पे आई तो कुछ मतलब बच्चे भी चले गए थे तो समय भी था, तो एक तरह से कहिए माहौल अनुकूल था। वाष्णे साहब का भी काफी सहयोग रहा इसमें, तो ऐसे नहीं मैं ये व्हाट्सएप और फेसबुक से ग्रुप चलते हैं, कई काव्य सृजन है, कविता लोक है, कई ग्रुप चलते हैं, तो उनपे जाके मैंने नियम कायदे सीख लिए और धीरे धीरे शायरी करने लगी। मेरा शौक तो गाने का, मुझे शौक था गाने का। आपको शौक था, आपकी भगवान की कृपा से अच्छी, आपकी आवाज भी बहुत मधुर है मैंने सुनी है। आपकी प्रेरणा कौन रही, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो कविता लिखने के लिए? मुझे सरिता शर्मा जी की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी गजल वगैरह मैं उनसे प्रेरित हूँ कह सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ खुद से भी कि मैं ऐसी ही लेखिका और शायरा बनूं और कवित्री बनूं। तो मैम सबसे पहले आपकी कविता ऐसी कौन सी थी जिसने आपको इतना मुकाम हासिल दिलाया, जिसने आपको इतनी याद दिलाई? देखो सभी प्यारी हैं और सभी का कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन हर एक कविता का रहा है, मगर किसी एक कविता की बात करूं तो मुझे अपनी एक गजल बहुत पसंद है, वो सभी पसंद करते हैं और आप लोगों को भी शायद पसंद आएगी, मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। लफ्जों में ढलती जा रही मैं हूँ या हूँ कोई गजल, लफ्जों में ढलती जा रही मैं हूँ या हूँ कोई गजल, तूने जो देखा नशी तुझ में कही कोई गजल, लफ्जों। बहुत अच्छी, बहुत ही सुरीली आपकी आवाज और उससे ज्यादा सुरीले आपके शब्द हैं। मैम आप एक कवित्री हैं, तो एक कवित्री के तौर पर, एक महिला के तौर पर कितनी मुश्किल आपको आई एक कविता लिखने में या लेखन के लिए, क्योंकि ये जो एक ऐसा क्षेत्र है महिलाओं के लिए ज्यादा इसमें क्षेत्र में व्यापक महिलाएं नहीं है, तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? कोई विशेष नहीं, क्योंकि वाष्णे साहब का साथ था, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी महिला के लिए आगे बढ़ने के लिए, वो था। और फिर सही समय पे काम किया गया है, क्योंकि मैंने, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे, वो अपने अपने मुकाम पे पहुंच चुके थे, तो फिर मैंने, मुझे कोई विशेष परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा और हमेशा मेरे उद्देश्य पे नजर गई। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या सोच रहा है क्या कर रहा है, मुझे अपने उद्देश्य अच्छे हैं और सही रास्ते पे चलना है, यही सोच के चली तो कोई विशेष वो नहीं पड़ा। फिर भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं आप तक पहुंचाती हूँ, थोड़ा बहुत तो परेशानियां होती है कि जिन्हें जीना हो जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं, अंधेरे घोर काले हो उजाला ढूंढ लेते हैं, और नहीं फंसते शिकंजे में लकीरों की जिगर वाले, न हो अनुकूल रहने पर किनारा ढूंढ लेते हैं। मैम एक कवित्री के तौर पर आपने किन किन मंच को सुशोभित किया है, हमें उसकी जानकारी? मैंने बहुत सारे, बहुत लंबा सफर नहीं है, अभी मेरा 3-4 साल का सफर है, मगर मैंने काफी अखिल भारतीय कार्यक्रम किए हैं, ईश्वर की कृपा से आवाज अच्छी थी और शायद शब्द भी अच्छे होंगे तो पसंद किया है सबने मुझे। ताज महोत्सव में किया है, एटा नुमाइश का किया, ये जो अमर उजाला की जो श्रृंखला है ये भी मैंने अलीगढ़ अमर उजाला का मा तुझे प्रणाम, हापुड़ अमर उजाला का मा तुझे प्रणाम, और आगरा अमर उजाला का ये कई कार्यक्रम किए, अलीगढ़ की भी नुमाइश का कार्यक्रम, बेटा नुमाइश का भी कार्यक्रम किए, कवित्री सम्मेलन वगैरह काफी कार्यक्रम किए मैंने, तो ये मेरी सौभाग्य है। मैम आपको कविता का वर्तमान और भविष्य क्या नजर आता है भारत में? वर्तमान देखना है, देख लो ना कुमार विश्वास को देख लीजिए,
क्या उसकी लोकप्रियता है, सब कविता के कारण है। और भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि कविता अब समसामायिक हो गई है, हर विषय पे पहल करने लगी, आगे बढ़ बढ़ के, और बहुत अच्छा तरीका बन गई है अपनी बात कहने का, अपने मतलब समाज की बात कहने का भी। तो जब चीजें समाज से जुड़ने लगती हैं, आपके मनों से जुड़ने लगती हैं, दिलों से जुड़ने लगती हैं, तो उसका भविष्य तो अच्छा हो गई होगा। और आजकल आपका नेटवर्किंग ये सब जो मतलब भविष्य तो अच्छा है, आप लोग ना भी होगा तो करा देंगे, मीडिया जिंदाबाद, जहाँ मीडिया आ गई वहां पे बल्ले बल्ले उस फील्ड के। और मैम आप युवाओं को किस तरीके से युवाओं को कविता की ओर जागरूक किया जाए, क्योंकि वो उनकी कला में वो शुद्धि नहीं मिलती जो एक पहुंचे हुए कवित्री या कवि जो होते हैं वो ले आते हैं, तो कैसे युवाओं को इस पद पर लाया जाए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं नए बच्चों से कहूंगी, जो भी लिखना चाहते हैं, नए लेखकों से यही कहूंगी कि आजकल बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे काव्य सृजन है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और कविता लोक है, और कई हैं ऐसे। आप जाएंगे अगर फेसबुक और उस पर देखेंगे, तलाशेंगे, तो बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, वो बहुत ग्रुप मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। आप बढ़िए, कोशिश तो करिए। और मैम मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि आपको हमारे देश की जो समस्या है, सबसे बड़ी वर्तमान में समस्या क्या नजर आती है? समस्याएं मतलब मेरी निगाह समाधान पे ज्यादा रहती है, तो मुझे लगता है, और मैं कहना भी चाहती हूँ, कुछ संदेश भी देना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी समस्या हमारी, हम ही समस्या बनाते हैं और हम ही उसका समाधान करते हैं। तो हमेशा समाधान दिमाग में रखना चाहिए। और मेरा तो कहना ये है कि बहुत कुछ हो सकता है, एक नए युग का सूत्रपात कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी पहल करें, क्योंकि हमसे मोहल्ले, मोहल्लों से शहर, और शहर से प्रदेश, और प्रदेश से देश। हम बदलेंगे, मोहल्ले बदलेंगे, मोहल्ले बदले शहर बदलेंगे, शहर बदले तो प्रदेश बदलेगा, और प्रदेश बदलेगा तो देश तो खुद ब खुद बदल जाएगा। एक नारे से आपकी सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करती हूँ कि हकों को अपने आजमा, हकों को अपने आजमा, और तस्वीर बदल दे, यकी कर खुद पर, और मुल्क की तकदीर बदल दे। अरे हम अपनी क्या, मुल्क की तकदीर बदलने का मादा रखते हैं। कुछ घनाक्षरियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कैसी शुभ घड़ी मेरे देश में है आई आज, सोचिए सभी कुछ मोदी जी और योगी जी थोड़े ना करेंगे, हम लोग को भी बहुत कुछ करना है। तो क्या करना है, आइए नए युग का सूत्रपात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ कोशिश कर रहे हैं सभी लोग कि कैसी शुभ घड़ी मेरे देश में है आई आज, जन जन जागृति फैलाना भी जरूरी है, लेस अधिकारों से हो जा मेरे देश, क्योंकि इनकलाब चेतना में लाना भी जरूरी है, जी चुका गलियों चौबारों पर नामो निशानी से काम मिटाना भी जरूरी है। और सुनो देशवासी, जीनी है खुशहाली यदि मान लोकतंत्र का बढ़ाना भी जरूरी है, मान लोकतंत्र का बढ़ाना भी जरूरी है। और कुछ पंक्तियां मैं महिलाओं के लिए जिन्होंने ठान रखा है ना बदलेंगे ना बदलने देंगे, क्योंकि एक महिलाओं तो महिला की बात करती हूँ कि अन्यायों की पोटली को सीना छोड़े नारी है अब, अन्यायों की पोटली को सीना छोड़े नारी अब, जिंदा है ये सब को जताना भी जरूरी है। और बचने ना पाए आशा साई जैसे ढोंगी पापी, जुल्म की रिपोर्ट तो लिखाना भी जरूरी है, नहीं किसी दामिनी के दामन पे दाग लगे, नहीं किसी दामिनी के दामन पे दाग लगे, दिल में बैठे डर को डराना भी जरूरी है। और काली बने दुर्गा बने काली सी प्रचंड बन, पापियों के खोने को बहाना भी जरूरी है। और बहुत बड़ा देश है मेरा, जहाँ समस्या है ना समाधान है, कई समस्याएं हैं, तो कुछ समस्या समाधान देखिए। खूनी से सवेरे यहाँ बेशरम तेरे यहाँ, खूनी से सवेरे यहाँ बेशरम तेरे यहाँ घोर तम, इसको मिटाना भी जरूरी है। और इंसानों की बस्ती में इंसानों के लाले पड़े, इंसानों की बस्ती में इंसानों के लाले पड़े, अपने अस्तित्व को बचाना भी जरूरी है। सारे मत भेद बांटो, आजादी को मत बांटो, मुझे मुख्यतः जो कहना है वो ये कहना है कि सारे मत भेद बांटो, आजादी को मत बांटो, सारे मत भेद बांटो, आजादी को मत बांटो, जात पात मुल्क से मिटाना भी जरूरी है। भरी भरी आंखों से माँ भारती प्रलाप करे, अरे जिसके बच्चे आपस में लड़ेंगे वो माँ रोएगी नहीं तो क्या करेगी,
कि बड़ी बड़ी आंखों से माँ भारती प्रलाप करे, रोलो बोझ दिल का हटाना भी जरूरी है। कैसी शुभ घड़ी मेरे देश में है आई आज, जन जन जागृति फैलाना भी जरूरी है। बहुत खूब मैम, आपने सारी समस्या और सारे समाधान एक छोटी सी कविता में पिरो दिए। अंत में मैं मैम आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगी कि आप वर्ष 24 के दर्शकों के लिए एक संदेश दें और आने वाला जो बसंत है उस पर अगर आपने कुछ कविता की पंक्तियां लिखी हो तो हमारे दर्शकों से साझा करिए। मैं बॉयज 24 के सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। मुझे ऐसा ही आगे आप लोग बढ़ते रहें और हमारा भी मान बढ़ता रहे, आपका भी मान बढ़ता रहे। नेटवर्क की दुनिया है तो दोनों मिलके खूब आगे बढ़े। तो और साथ में एक कविता मैंने लिखी है, सुनिएगा। करी श्रृंगार ऋतु आई रे बसंती, करी श्रृंगार ऋतु आई रे बसंती, जी पर रस चल काए रे बसंती, करी श्रृंगार ऋतु आई रे बसंती, सज गई दरा की सावर काया, सज गई दरा की, सज गई दरा की सावर काया, रंगरी जी सम जी तेरी माया, महकी महकी जाए रे बसंती, करी श्रृंगार ऋतु आई रे बसंती, बलखाई नदियां का नीला पानी, पेंगे बढ़ाए मौजों की रवानी, छबी छू हाथ नाए रे बसंती, करी श्रृंगार ऋतु आई रे बसंती, करी श्रृंगार ऋतु आई रे बसंती। बहुत ही सुंदर मैम आपकी कविता थी। ये थे हमारे साथ मेरठ और हिंदुस्तान की जानी मानी कवित्री श्रीमती ममता वाशने जी। कैमरामैन महेश कुमार के साथ मैं सना खान, वॉइस 24 न्यूज चैनल, आपकी अपनी आवाज़।